सब्सक्राइब कीजिए हमारे जीके सीरीज विद अमित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टॉप जीके वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके सीरीज विद अमित। फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 ऐसे जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसे बेसिक लेवल और स्टैंडर्ड लेवल दोनों कह सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, आपको अगर आंसर पता है तो जरूर कॉमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा ईच। ऑप्शन नंबर ए 545, ऑप्शन नंबर बी 543, ऑप्शन नंबर सी 549, ऑप्शन नंबर डी 544। चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए 545। फ्रेंड्स, लोकसभा में जो सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, वो 545 अभी प्रेजेंट टाइम में है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है वो चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है देखते हैं। संविधान में व्यवस्था की है कि सदन के अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होगी, जिसमें से 530 सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एग्लो इंडिया का समुदाय से नामांकित किया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस विल बी 552, ऑफ विच 530 मेंबर विल रिप्रेजेंट द स्टेट एंड 20 मेंबर्स विल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडिया कम्युनिटी। 552 सीट जो लोकसभा में व्यवस्थित किया गया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स पूछा गया है तो प्रेजेंट टाइम में जो है अभी वो 545 है। और फ्रेंड्स 545 है, लेकिन 552 में बोला गया है कि 530 जो है वो स्टेट से आएंगे और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 2 जो मेंबर है, 2 मेंबर का जो सीट है वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर महावीर स्वामी वाज बोर्न। ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी मगध में, ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। फ्रेंड्स, यहां से जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनने वाली है वो भी चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, भगवान महावीर का जन्म बिहार प्रांत कुंडलपुर नगर में, जो वर्तमान में नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, जो वर्तमान में नालंदा जिला है, वहाँ पर हुआ था। उनका जन्म ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुआ था। ईसा मतलब फ्रेंड्स, जैसे अभी हम लोग 2020 ईयर्स में है, तो 2020 ईयर्स के भी पहले ईसा चलता था, उसे हम लोग ईसा बोलते थे, जो मतलब ईयर आने से पहले ईसा हुआ करता था। तो 600 ईसा से भी पहले जो है वो भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इंग्लिश में क्या लिखा है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड महावीर वाज बोर्न इन कुंडलपुर सिटी ऑफ बिहार प्रोविंस प्रेजेंटली इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ही वाज बोर्न 600 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। फ्रेंड्स, जो गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान में है। चलिए इनसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। गुरु शिखर चोटी राजस्थान के अरबुड़ा पहाड़ों में एक चोटी है, जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर यानी कि 5676 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट अबू से 15 किलोमीटर दूर
गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। गुरु शिखर इज अ पीक इन द अर्बुदा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज। इट इज एट एन एलिवेशन ऑफ 1722 मीटर्स इन फीट 5676 फीट। गुरु शिखर 15 किलोमीटर फ्रॉम माउंट अबू इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वार सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द ज्वार सागर डैम सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी बेतवा, ऑप्शन नंबर डी सतलज। प्लीज कमेंट कीजिएगा आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। फ्रेंड्स जो ज्वार सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। चलिए इससे बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। ज्वार सागर बांध चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना की श्रृंखला में तीसरा बांध है, जो कोटा शहर से 29 किलोमीटर ऊपर और राणा प्रताप सागर बांध से 26 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। द ज्वार सागर डैम इज द थर्ड डैम इन द सीरीज ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्ट ऑन द चंबल रिवर, लोकेटेड 29th किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ कोटा सिटी एंड 26th किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ राणा प्रताप सागर डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर ए गोबी, ऑप्शन नंबर बी सहारा, ऑप्शन नंबर सी थार, ऑप्शन नंबर डी टकला मकान। प्लीज कमेंट कीजिएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सहारा। चलिए फ्रेंड्स इससे कुछ बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, सहारा अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित एक रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल पूछे तो फ्रेंड्स क्या है, तो 92,00,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है। मतलब ये इतना विशाल है फ्रेंड्स। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, द सहारा इज अ डिजर्ट लोकेटेड ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट। इट इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड एंड द थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट ओवरऑल आफ्टर अंटार्कटिका एंड द आर्कटिक। इट्स एरिया ऑफ 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज कंपेरेबल टू द एरिया ऑफ चाइना और द यूनाइटेड स्टेट। चलिए फ्रेंड्स, और भारत से थार भी आया था फ्रेंड्स, तो भारत में जो है वो थार है। तो चलिए फ्रेंड्स थार के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो भारत के राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। थार मरुस्थल दुनिया का 9वां सबसे बड़ा व सबसे गर्म मरुस्थल है। 9वां याद रखिएगा फ्रेंड, 9th पोजिशन पे है। द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया इज द थार डिजर्ट विच इज लोकेटेड इन जैसलमेर राजस्थान इंडिया। द थार डिजर्ट इज द 9th लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्या देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन में गोभी डिजर्ट भी दिया था, तो गोभी डिजर्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोभी मरुस्थल है, जो चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोभी डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन साउथ एशिया लोकेटेड इन चाइना एंड मंगोलिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कंट्री है वो चाइना एंड मंगोलिया है। चलिए और फ्रेंड्स इससे एक मेरा और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो मेरे को लगा कि दे देना चाहिए, तो वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत कम लोग को पता होता है सबसे स्मॉलेस्ट डिजर्ट जो है वो कौन सा है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा हम लोग और भी पढ़ लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट डिजर्ट कौन सा है। कनाडा के यूकोन राज्य में स्थित कारक्रॉस रेगिस्तान दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है। कारक्रॉस डिजर्ट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डिजर्ट लोकेटेड इन कनाडास यूकोन स्टेट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपके लिए इतना किया हूं, तो आपको तो एक लाइक बनता ही है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी अगले आने वाले वीडियोज़ का लिंक आपके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।